हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं हूं शाबिश मोहम्मद इनायत। आई थिंक काफी समय के बाद, काफी वक्त के बाद हम लोग आए हैं। ओके, सो हम लोग आज रिएक्ट करने वाले हैं ओनली देसी का अनदर रिविजिट, जिसका नाम है, जिस फिल्म का नाम है यादें। रिविजिट एक्स्ट्रास, उससे पहले रिविजिट आया है, उससे पहले रिविजिट आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग देसी, मतलब कि उन्होंने फिर से किया है? नो नो, यादें एक ही है, एक और हमने अभी तक नहीं देखी, बिकॉज वी वांट टू रिएक्ट ऑन इट एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर द पास्ट 6 डेज टू वॉच दिस वीडियो। एंड यही ना, दिस इज वॉट आई हैव लर्न इन माई लाइफ, पेशेंस। कि एक वीडियो को आने के बाद भी नहीं देखना, ताकि रिएक्शन चैनल देखे, डेडिकेशन आप देख सकते हैं हमारा। और अंकित भाई को सबसे पहले तो सलाम, पता है कि दिस वीडियो इज गोना बी वेरी अमेजिंग, बिकॉज 9 जा रही है, 9 लाख है भी ये, एंड दिस इज द फास्टेस्ट आई गेस इनकी अब तक की, फास्टेस्ट है इनकी 1 मिलियन हिट करने की, इट्स ट्रेंडिंग ऑन 27 और समथिंग। काफी टाइम से ट्रेंड कर रहा था, और एक पोस्ट भी, मतलब स्टोरी भी देखी थी अंकित की, ये अभी ट्रेंड कर रहा है तो टेंशन शुरू हो गई, टेंशन शुरू हो गई। तो या सो या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, वी हैव कम बैक एंड वी वांट टू स्टार्ट विद दिस आवर इंडियन वीडियो। तो लेट्स वॉच इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी क्या होता है, कैसे कर। A story about Raj and his daughters, जहाँ एक पिता अपने बच्चे को किसी से भी शादी करने की पूरी आजादी देता है। कोई ना कोई लड़का ऐसा तुम्हारे जिंदगी में जरूर आएगा जिससे तुम शादी करना चाहोगे, पूरा हक होगा तुम्हें शादी करने का और मुझे मंजूर होगा, और बदले में उसको सिर्फ एक छोटी सी विश है। एक बात जरूर याद रखना, उस लड़के के परिवार को चुनने का हक सिर्फ मुझे होगा। Every day
day. जहाँ लिखा हुआ है कि no photographs allowed, but they can shoot a movie in it. Raj has to take care of his three daughters. Oh look, she is ready to go. जिसमें से ये सानिया तो बड़ी हरामी है. लेकिन उनकी शादी के लिए राज कहता है कि no, means no. पूरा हक होगा तुम्हें शादी करने का और मुझे मंजूर होगा. And after suicide all and the move, वो जबरदस्ती शादी कर लेते हैं. And it's time to celebrate and remind ourselves that this movie is still heavily sponsored by Coke. Oh. He's like, I'm already having Coke, लेकिन इसमें brand deal चल रहा है. So 3 days later. मुझे जवाब चाहिए बस. My life is my life. On the other hand, Isha does not believe in love. लेकिन तभी आता है रॉनिट. इतना जब किसी हैंडसम नौजवान के लिए इन्हीं आंखों में आंसू होंगे. Who owns a website? जिसको ये लोग .com बोलते हैं for some reason. आज पूरी दुनिया एक .com हो चुकी है. What's wrong .com please? Plus हमारे .com के लिए और भी .com. .com. और ये तो .com. इसको हमारे website का damn it. और फिर oh sorry sorry एक और ऐड करने होंगे. Pass. लेकिन फिर इशा और उसके दोस्त एक डेंजरस आइलैंड में चले जाते हैं. सो जस्ट टू इग्नोर द साइन. आई थिंक वी कैन ऑल रिलेट टू दिस. द साइन सेज बैड डिसीजंस एंड ऑल ऑफ अस आर लाइक और वहां फंस जाने के बाद एक रॉनी भी है जो उसे बचा सकता है. देखिए किस तरह वो अपनी बोट को स्विम करके खींचते हुए इशा की जान बचाता है. आई मीन वो बाजू से जा रही यार्ड से भी हेल्प मांग सकता होगा लेकिन यू नो दैट चांस नहीं है. तो लड़की को प्यार थोड़ी होगा. और अब रॉनी की कही बात सच निकली है. मैंने कहा था कि तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे. क्या है I'm still not sure उसको कहाँ आंसू दिख रहे हैं इसकी आंखों में. Wow! Another couple is in each other with passion. It's kind of weird. क्योंकि flashback में दिखा रहे हैं कि ईशा रॉनित को बचपन में राखी बांधती थी. बचपन में भैया और जवानी में सही है. क्या प्यार मोहब्बत बाबा. फिर ईशा और रॉनित की शादी के लिए भी राज कहता है कि पूरा हक होगा तुम्हें शादी करने का. ईशा अपने पापा के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है. कोई बात नहीं थी रोने तो मेरे बीच में. बस मलेशिया में थोड़ा सा गेम्स खेलते खेलते वो कैसे हो जाता है. गेम क्या था खेलते भाई. ऐसा गेम्स कोई म्यूजिक खिलाओ. फिर एक पार्टी में रोने थ्रू इज ऑब्वियसली ड्रिंकिंग कोक. मिलता है मोनिश्का से हु इज हेयर स्टाइल लुक लाइक शी इज अपसेट एंड शी वांट्स टू टॉक टू द मैनेजर. अमेरिकन लुक एट द रेफरेंस. मोनिश्का इज फ्रॉम अमेरिका एंड शी स्पीक इंग्लिश लाइक आई मस्ट से दैट यू आर अमेजिंग दैट आई एम कंफ्यूशन यू आर So he is a very big unforgettable. And then watch this movie making her a bad person just because she doesn't want to have a baby right after the shadi. It's her human rights, man. What the f***? Shadi ki khabar sunke Ronit is sad. What is he doing? He looks like he's getting the best DJ of his life. And just like any nymph after the breakup, he goes straight to the gym. Keep working out day and night, but that booty though. And it's time for another Paspas ad. Paspas khila ke Paspas bula rahe. But it all comes to an end. जब रॉनिट पब्लिकली अपने घरवालों की बेइज्जती करता है. ये कौन सी किताब है हमारे बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? Again, इंडिया के बच्चे अगर ऐसा करें तो घरवाले. जाकर गर्दन घुसा के पिलाने दिए ना. Now रॉनिट asks few questions. अगर मैं रॉन्ग हूँ, तो आप रॉन्ग कहिए. और अगर मैं राइट हूँ, तो आप राइट कहिए. एक प्यार करने वाली लड़की अपने पापा को दिए हुए बच्चे की खातिर अपने प्यार को कुर्बान कर देती है. राइट है या ना? और वो लड़का अपने पिता की बात मानकर अपने आंसू आसान में बेच देता है.
वेट अ मिनट, तो लड़की फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करे तो राइट है, लेकिन लड़का सैक्रिफाइस करे तो रॉन्ग. इट्स जस्ट मी और दिस मूवी स्ट्रेट अप बीइंग सेक्सिस्ट हियर. एंड एट द एंड द स्पीच विद अ पावरफुल मैसेज जस्ट फ्रेश लुक एट देम एंड दे रिफ्यूज टू फॉलो द मनी. दे वांट लव एंड नाउ एवरीवन इज हैप्पी. आज के ग्रैंड किड्स हैं जिन्हें वो रोज टहलने ले जाता है. So he took the keys, लेकिन वो उसे door lock नहीं करेगा. इसकी माँ बुरी यादें बनाएं. Hello geese, if you enjoyed the video, make sure you hit that like button, subscribe if you're new, and follow me on Instagram @only_daisy. And I'll see you guys in the next one. Peace. Hello. So these are the winners of last giveaway. And for next giveaway, rules are very simple. Just download CashPro from the link in description, or you can download CashPro app from App Store or Play Store, and just use my code daisy25 when you sign up. And just shop on any website via CashPro. Choose a Jura transaction on Amazon, Swiggy, or even a phone recharge, and 5 lucky winners will get a chance to win an Amazon voucher worth 500 rupees. Download CashPro, baby. Oh! We'll talk about this and we'll instantly go to revisit extras. We'll watch this also. Okay. Yeah, okay. 9 minutes. Oh, hello, Daisies. मैंने अभी दो दिन पहले यादें का रिविजन बनाया था, तो रिविजन तो बन गया, लेकिन मैं सोचा था कि आई थिंक इट्स नॉट फेयर फॉर एनी मूवी, क्योंकि हर मूवी देखो, हर मूवी उतनी बेकार रिविजन जितनी मैं शो करता हूँ, राइट? लाइक दैट्स वेरी ऑब्वियस, आई होप यू गाइस नो दैट, यू गाइस डू, राइट? तो इसलिए मैंने सोचा कि इस रिविजन का एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाते हैं, जिसमें मैं थोड़ा और बात करूंगा इस मूवी के बारे में. अगेन, ये वीडियो फनी वगैरह नहीं होने वाली है. आई एम जस्ट गोना लाइक वॉच दिस मूवी एज अ रेगुलर viewer. Teddy bear with a sketch of gun. When I'm holding him, make him a man. Like the first. ये movie शुरू होती है एक temple पे जहाँ पे राज जो है पूजा कर रहा है, right? And यहाँ पे देखो वो एक अंकल खड़े हुए हैं बाजू में, वो जो रिंग बजा रहे हैं. The way he is doing that looks very staged. Like देख के वैसा रहा कि इसको किसी ने hire किया है रिंग बजाने के लिए. तो वहां पे आई थिंक वो थोड़ा सा नेचुरल हो सकता था. सो इस मूवी में जो राज का जो कैरेक्टर है वो लोग एक्चुअली सम प्लेस इन यूके, वो लोग वहां से इंडिया आते हैं. तो जो इंडिया का जो घर है, द वे दे शॉट द हाउस, वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि कोई हॉन्टेड हाउस हो. कोई दिख नहीं रहा आजू बाजू, तो इट वाज सुपर सुपर क्रीपी. My first thought. चला जाते तो चले जाते ना. तुम कहाँ हो? तुम तो मेरे पास हो. Okay. जब शूट हो रही थी मूवी, उसने कहा था कि तुम तो मेरे साथ हो. लेकिन I don't know why. जब ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तो उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंज करके उसको कर दिया कि तुम तो मेरे पास हो. क्योंकि you can see. तुम तो मेरे पास हो. And again, ये एक बार भी होता है. सेम चीज होती है जब शादी की डेथ होने वाली होती है, वो सेम चीज होता है. अगेन उसने वीडियो जब शूट हो रहा था, उसने कहा था कि मैं हूं तुम्हारे साथ. जब ऑडियो हो रहा था, उसने कहा कि मैं हूं तुम्हारे पास. और जब मैंने ये वीडियो शुरू किया था, ये बोलते हुए कि इस मूवी में सब कुछ बोला नहीं था, लेकिन मैंने अभी तक एक भी अच्छी बात नहीं कही इस मूवी के बारे में. ओके, सो सम गुड थिंग्स अबाउट दिस मूवी. आई लाइक द कॉन्सेप्ट, लाइक जो मैसेज सुभाष गर्ग ने चाह रहे थे, लाइक आई थिंक ही स्टार्टेड ऑफ विद गुड इंटेंशन. मेन मैसेज ये था कि दे जस्ट वांट टू शो द स्ट्रगल्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स, राइट? क्योंकि इसमें वही होता है. एंड आई वाज एक्चुअली नॉट श्योर कि वो जो शादी नाम था, राइट, उनका उनके कैरेक्टर को उन्होंने हमेशा वाइट साड़ी में क्यों दिखाया था. लाइक वाज देयर लाइक अ डीपर मीनिंग बिहाइंड इट, कि वो जब उसको इमेजिन कर रहा है तो उसकी आंखों में सिर्फ वाइट साड़ी दिख रही है ऐसा कुछ था, या फिर वो एक्चुअली में सिर्फ वाइट साड़ी पहनी घूमती थी? क्योंकि that was weird, like people love this nigga, right? Unless they're widows, obviously, but like here she's married and like bas wo sab saari mein ghum rahi hai. Is movie mein bas ko ke paas paas pe nahi hua hai, is movie mein hero ka bhi promotion hua hai. Hero fighter ke hero hai. shaadi.com ka promotion hua hai, to hamara ye shaadi.com. तो उस टाइम ऑब्वियसली आई डोंट थिंक लोग शादी डॉट कॉम को यूज करते थे. दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग कि लाइक ये वेबसाइट तब से थी. आई वाज डूइंग सम रिसर्च, तो मुझे पता चला कि शादी डॉट कॉम एक्चुअली 90s के टाइम से बन चुका था. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. और तो वैसे जिन्होंने मूवीज अगर नहीं देखी, अगर आप सोच रहे हो जो तीसरी बेटी उसको क्या हुआ, तो बेसिकली शी फाइंड्स a husband on shadi.com obviously, and then she shadi jati. Another thing to notice ke is movie mein jo Ritik ki jo maa ka character jo jinne nibhaya hai, sorry,
वो ऋतिक से लिटरली सिर्फ एक साल छोटी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। ये रहा तुम्हारा कि पापा ने दिया। पापा ने दिया। तुम मान तो सकती हो। थोड़ी सी और टीली बना देते हैं। सो देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड एली रे एली। क्या है ये पहली दिस मूवी? बेसिकली अ प्यूबर्टी सॉन्ग। इट्स अ सॉन्ग वेयर लाइक थ्री गर्ल्स जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, यू नो, दैट फेज। They're talking about how they want to have a partner, they want to get married. For boys, we're just horny at that age, so I don't know if you can relate to that. Kareena Kapoor ka jo character hai, usne ek robe pehna hai, pendant. Wo same cheez Kareena ne bhi pehna hai is movie mein, wahi same Hrithik ke character ne bhi pehna hai, aur wo same Kareena ki jo mummy ka jo character usne play kiya hai, unhone bhi pehna hai. They were just like switching it or something, I don't know. To me, he looked like the guy from Jan Dushman, and here comes the best part. My life is my life. Yes. Your life is your life. Alright, so revisit mein thodi si editing ki thi wahan pe. Editing ki thi. After he walks away, she's brilliant. Wo actually thodi si editing ki wahan pe. Maine usko mask out kiya tha. Oh yeah, there's also this really weird VFX going on in this movie jahan pe wo multiply ho raha hai. And I don't know why they did it as a, like, it looks so stupid, so I don't know, it was so unnecessary. Okay, this part, I seriously don't know what the hell was happening. I didn't do anything, like, wo, genuinely, we were just like, karaoke. I don't know what he was trying to do. Maybe he was thinking that all heartbroken people are going to go, so I'm going to sit in the cold, and I will die from hypothermia or something, I don't know. What the hell do you think of yourself? What the hell do you think of yourself? वहाँ पे मैंने एक audio change किया था। Hey hey hey! What the hell do you think of yourself? वो गाना नहीं था बंधु मधेश का। It's my life, whatever I want to do. Wondering क्या था ये? My life is my life. उसमें था वाला part. Hey hey hey! What the hell do you think of yourself? फिर उसके बाद जो Hrithik Roshan का जो character है ना करीना कपूर के character को जल्द से कोशिश करता रहता है and to do that. Continuously, जो तीसरी जो कैरेक्टर भी थी मानिश्का का उसको बार बार आई लव यू बोल रहा है। Basically, he's playing with someone else's feelings just to make his ex-girlfriend or whatever she was jealous. So don't do that. If you do that, you're stupid. And there's one part यहाँ पे जो करीना कपूर का जो कैरेक्टर है वो actually ने like बहुत jealous हो जाता है and then she just like runs out of the house crying and stuff and then उससे हम उसकी बहन का कॉल आता है right? उस फोन को उन्होंने उठाता है and then he just says some random stuff and then they both just hang up on her. मैंने उसको actually trick बनाई थी लेकिन वो मुझे लगा कि उतना ज़्यादा funny नहीं है तो मैंने उसको reels से निकाल के था। I'll maybe just play it right now. लेकिन deep down she loves him and she takes a call from her sister. लेकिन रॉनिक उसका फोन ले लेता है। ठीक वक्त पे फोन किया तुमने। जब प्यार करने वाले अपने जज्बात को दबाकर रिश्तों को कोई दूसरा नाम देते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जज्बात फूट फूट के रोने लगते हैं। अपनी बहन से बात करके मीनू अवंती का होम मनी मॉनिटर से की घर आते दिन बोल के बोल देते हैं। She actually says that मामा मैंने कोई editing नहीं की थी आप movie देख सकते हो। She actually says that. Also there's this one song I think गाने का नाम है ऐ दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है। So this is like a sad song, right? और गाना भी इधर मस्त depressing सा गाना है and they're like that was pretty dumb too. Man, I thought I'm gonna talk good stuff about the movie. Not really. I'm basically roasting it again. No, it's not. Maybe the end mein, jo Ronit hai, jo Karina ka bhi character hai, wo log bhaag jaate hain, and then wo basically helicopter wagera bhejte hain, unko khojne ke liye, right? Cops bhejte hain. And ye dikha rahe hain ki helicopter se wo log khoj rahe hain unko, and they're literally like by the London Bridge. वो लंदन ब्रिज पे नाच रहे हैं वो भी बोट में वो हाथ ऊपर नीचे करके नाच रहा है बहुत ही वियर्ड से लिरिक्स भी उसका रहे हैं। ऐसा कौन सा प्यार है जिसको लोग सुन भी सकते हैं। And again, one thing I didn't like about, man, I'm just talking about the bad stuff again. Kya main negative hu? I hope you guys enjoyed the revisit. And yeah, I'll see you guys after a month, you know.
पता है रिविजिट किया तो कब आता है, तो एक एक आधे घंटे बाद मिलता हूं तुम लोगों से वापस। प्लीज पिज्जा में कम कर। Now, first of all, yeah, very happy to see Ankit back. Last time Suryavanshi kiya tha na, Suryavansham. Haan, Suryavansham ka, it was a revisit again. He made a revisit again because he was working on a wedding song in India. He was in India, like he said, he was in India and he was with his, one of his friends. Kahin pe, Ahmedabad mein tha, shayad Gujarat mein tha. Then because of that he made the a revisit of the same movie again which he made it. But yeah, talking about yaadein, I really, you know, the way he captured Coca-Cola guy jo aur paas paas ka honda tha, then Coca-Cola ka kabhi kabhi humne socha tak nahi ki this is extent pe is movie ko istemal kiya gaya tha. Actually humne pardesh mein dekha tha Air India, which was kahin na kahin kam tha. लेकिन यहाँ पे कोक का इतना सारा प्रमोशन ने किया था एंड लाइक हम एज चिल्ड्रन वी यूज्ड टू वंडर के होता होगा शायद नो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू रिसीव एज चिल्ड्रन इज वी डिड नॉट नो के इट इज एक्चुअली अ प्रमोशन वी थॉट के शायद दे आर यूजिंग एंड यूजिंग इट एंड इट्स वेरी प्रीटी नॉर्मल इन देयर कल्चर यूके में वगैरह टू हैव कोक एंड ऑल in weddings and also humko ye bachpan mein na we were always told that coke is like we were always shown coke was actually shown to us like a very amazing jo kehta hai bahut cool banda hota hai wo matlab aap baith ke coke pi rahe ho khaas kar swag teen mein ho to bahut mast lagta hai wo unko to like how can you do that with the generation you basically sab karte hain lekin Subhash Bhai sahab aap kyun karte ho. Again, they got a lot of sponsorship again. It takes a lot of money to shoot a movie in UK, obviously. Obviously. Or drone shots, whatever the palaces mein shoot karna, usse uske liye lagta hai. Second thing is that bahut saari cheeze hain revisit mein. We did not laugh actually. Zyada isme hase nahi hum. Because our mind was working a lot here. We were laughing inside, lekin hamara brain jo tha, we were like constantly looking for kya bolega, kya bolega, kya bolega, kya bolega. हम लोगों ने एक्चुअली जब फिल्म देखा था उन्होंने नोटिस नहीं किया था या नोटिस नहीं किया दिस दिस इज हैपेंड वो एक्सीडेंट का सीन एंड ऑल दैट बट या देयर इज वन थिंग आई वांट टू डू बिफोर आई फॉरगेट दिस वांट टू टेल यू आई डोंट थिंक दुनिया में जो गाना था वो उसमें द प्रॉब्लम इज कि वो जो दिखा रहे हैं वो जो लाइक दे आर बेसिकली शोइंग इट एज अ वेरी सैड सॉन्ग बट वो डांस कर रहे हैं वगैरह आई थिंक दैट वाज द मूड के कैसे शोर में भी ये गाना सैड सॉन्ग बजता है I think that was intended. और उसके बाद पहली एक सीन थी जहाँ पे एक intended एक सीन था वहाँ पे कुछ not able to forget that. हाँ when he says के you can choose your partner but I'll choose their family whatever Jackie Shroff says. I think that was intended क्योंकि he wanted to manipulate his children somehow. Somehow yeah. So I think he actually tried to manipulate his children. तो उसने वो बोला था कि condition उसने already रख दी थी इनको लगा होगा बच्चों को लगा होगा कि फ्रीडम मिल रही है फ्रीडम मिल रही है पढ़ने की तो आई थिंक दैट वाज इंटेंडेड उसी वाज क्लियर भी सेम कि तुम लोग जो करना है करो फैसला मेरा ही होगा हां फैसला मेरा होगा एंड उनके पेरेंट्स मैं चूज करूंगा हां तो बेसिकली वो इतनी बड़ी मोटी और इतना बड़ा लाउड साइन हुआ से नहीं छोड़ते वो दैट वाज वन थिंग एंड आप उसके अलावा अंकित ने जो भी नोटिस किया है माय गुडनेस एंड व्हाट अ मैन ही इज He deserves like some 30 to 35 million. I don't know what India is doing. I don't know why India is not watching this video, his videos. Like giving the love which he actually deserves. I think पहले एक दौर था like एक साल डेढ़ साल पहले जब अंकित की videos को बहुत ज़्यादा appreciation मिलता. Right now I don't know why. Maybe because people are not getting connected with him because he comes once in a while. Yeah. Once in a blue moon. Like दो महीने में एक बार. तो लोगों को इतना ध्यान में रहता नहीं कि नहीं भाई इस बंदे की video आई होगी जाके देख. वो रैंडमली के सजेशन में आ जाए तो लोग देख ले देख ले पर्टिकुलरली जाके चेक करना यू नो वे तो हमारी भी ऑडियंस को क्या था कि पता था कि हम लोग रोज एक वीडियो लाएंगे तो हमारे चैनल पे आगे देखते हैं वो कहते हैं बट हम लोग अभी नहीं है तो थोड़े दिन के बाद उनको सजेशन में आए तो हम लोग याद आएंगे आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंस विद हिम बिकॉज़ वो रेगुलर नहीं है मेबी बिकॉज़ ऑफ इररेगुलरिटी बट ही डजंट एक्चुअली केयर अबाउट इट Yeah. Because he knows. But still, I think there will be some audience जो कि actually देखती होगी video मतलब wait करके देखती है जैसे कि हम लोग हैं. हाँ. No, we wait for जैसे ही हमें not to be मतलब ऐसी story देखी तो हमने इनको share किया वो और हम लोगों ने wait किया देखने के लिए. And Ankit का ऐसा है ना कि Ankit is actually
शेकिंग अप द होल इंडस्ट्री अभी के लिए के ऐसे भी कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं लोग तो सी अंकित डूइंग सम साउथ इंडियन मूवीज आल्सो देन ही विल हैव टू नो नो सी अंकित व्हाट अंकित इज डूइंग इज आई व्हाट आई यूज के जो मूवीज हमारे दिल में घर कर चुके हैं ऑलरेडी जो कि एक जनरेशन हम 90s के बच्चे हैं 90s के हैं तो 90s के बच्चों में जो 2001 से 2010 तक जो बड़े हुए बच्चे तो उनका एडोलेसेंस एज आई बड़े हुए तब हमने जो मूवीज देखी थी हमने जो डीप डाउन हमारे अंदर बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस किए हैं वो से मूवी खा करते हैं ये और एक मास स्केल पर जो मूवीज ने हमको इन्फ्लुएंस किया हाँ याद है तो मुझे बहुत स्पेशली एली रे एली का जो गाना था उसमें और जो गाने थे इस मूवी के ओवरऑल द मूवी इज अमेजिंग मूवी But of course, after seeing the Coca-Cola in and my life is my life, my goodness, and the editing, what he did there. I knew the editing, kya kar rahe the, okay, so we, matlab, they don't know how the editing was, ke wo, the father moves out and she just still standing like this, I'm like, wow, man, how can you see, having technical skills is one thing, but applying it there, and you know, bang on. एक्चुअली अगर जो जिन्होंने वो फिल्म नहीं देखी या फिर उन्होंने नोट नहीं किया तो उन लोगों को ऐसा ही रहेगा कि एक्चुअली शी डिड दैट एंड एनिमेट के वो पास होने के बाद इतनी देर तक रखेंगे नहीं या मींस लाइक द स्टैनली ऑफ बॉलीवुड बोल रहे हैं कुछ शुभार दाई को अंकित भाई अगेन वो वेरी वेरी ब्रेनी मूवी अगेन वेरी वेरी मच यू नो लॉट ऑफ इंटेलिजेंस यूज्ड हियर I don't know how you do it, I don't know what makes you do it. Every time something new, every time a new flavor in every video, not repetitive and especially how you captured that. देखो ये आजकल सीरियल्स में भी होता है जो डबिंग करने पे बहुत सारी चीजें बदली जाती हैं डबिंग करने पे बहुत कुछ मतलब ऑडियो नहीं बदलता लेकिन उसमें थोड़ा सा दिखता है उसमें एविडेंट लगता है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तुमको जरूरत थी फोकस की यहाँ पे जो उन्होंने दिया है एंड आई लव द वीडियो अंकित भाई उसका डायलॉग या फिर कुछ चेंज करें तो आजकल क्या करते हैं कि या फिर जैसा होता था फ्रेम चेंज कर देते या फिर उसको शोल्डर का एक फ्रेम दे देते या फिर फेस हाइड करते या कुछ भी ऐसा कर देते यहाँ पर क्लियरली फोकस्ड था नहीं तो पकड़ लिया And I loved this part also, like the second video का part जो उन्होंने साथ में रहकर explain किया, I think that was more better way. I think he should do such videos more. That will keep his channel occupied. I think वो एक दिन में एक बार कर सकते हैं वो. That was very nice. It was like watching the movie from his perception, which is very very unique in this whole world. मुझे लगता है उनका नजरिया जो चीज को देखने का है वो एकदम से डिफरेंट है हाँ थोड़े ऐसे थे चीजें जो कि मुझे लगा कि हाँ चलता है भाई और लेकिन वो व्हाइट सारे का ही गॉट द पॉइंट थोड़ा डीपर मीनिंग थी उसमें कि व्हेनेवर ही इज फॉर एग्जांपल इन मोहब्बत है वाज है इज नॉट सच एन डायरेक्टर जो कि ऐसे सिली मिस्टेक्स या ऐसे नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बट सी द थिंग इज व्हाई द ह्यूमर केम आउट फ्रॉम दिस मूवी इज दैट के देयर इज अ जनरेशन अभी वी आर वे जो था हम बच्चे थे तो वी यूज्ड टू सी दिस मूवीज एज लाइक क्या कूल बंदे हैं यार ये दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप ही इज एक्चुअली वो या गॉड का तो मतलब वहां पे तो अलग था वो कि कैसे वो जा रहा है कैसे यू नो हाउ कूल दे आर लुकिंग कैसे गाने हो रहे हैं इसमें कैसा ये था लेकिन आज ये कल्चर सब में आ चुका है और इट्स ऑलवेज देयर एंड ही मेड वन जोक देयर ही सेज कि इजंट शी द सेम वुमन हु वुड गो टू अ रेस्टोरेंट एंड से कॉल द मैनेजर द अनहैप्पी कस्टमर आई थिंक एंड ही एक्चुअली मेंशन कि ओनली द अमेरिकंस विल गेट दिस kind of क्या बोलते हैं joke जो उन्होंने बोला था I think because of I think वो जो boycott के लोग होते हैं boycott जगह होते हैं लेकिन वहाँ पे शायद वो होते होंगे बहुत strict होते हैं restaurants के साथ साथ जैसे कि मैं होता हूँ तो basically वही लगता है वो but overall a very entertaining video यार worth the wait 6 days we have been waiting but this watch together so yeah this was our reaction याद है revisit this was one about ज्ञान this time less laughter more ज्ञान for us लेकिन हमने हंसे नहीं क्योंकि भी See, the why I was holding my laughter because ke if I laugh and we'll that sound, we might meet miss something and you know, it will go like this and we do not want to do that. That's why. Yeah. Anyway. What a nice video. Yeah. So thank you so much guys. Thank you so much all your love and support and Janice Abel channel ko subscribe kar liyo. Vision will link for more entertainment and you can follow us on Instagram. Just keep details in the end. This is Mohan Shabiz. Very nice. Signing off.